हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं जो कि शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ी जानकारी है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 18 अगस्त 2022 की स्थिति में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें जितने भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और संभाग है, अर्थात छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला है और संभाग है, वहां पर जो वहां के संचालक है, वहां के डीओ है, जेडी है, उनसे जानकारी मांगी गई है। जी हां दोस्तों, ये जो जानकारी है रिक्त पदों की जानकारी है, अर्थात छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक के कितने पद रिक्त है उनकी जानकारी शिक्षा विभाग के उप संचालक द्वारा मांगी गई है। देखिए दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ जो कि प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ विषय सहायक शिक्षकों के पदों की जानकारी के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। विषय अंतर्गत लेख है कि आपके संभाग अंतर्गत जिलों में सहायक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कार्यरत और रिक्त पद ई और टी संवर्ग की जानकारी पृथक पृथक पत्र के साथ संलग्न निर्धारित रूप में 22 अगस्त 2022 तक ईमेल के माध्यम से आशुतोष चावरे उप संचालक सर है उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करावे। देखिए दोस्तों, इसमें उप संचालक आदरणीय जो चावरे सर हैं, उन्होंने जानकारी 22 अगस्त तक मांगी है। जी हां दोस्तों, सहायक शिक्षक के पद की जानकारी ही नहीं, बल्कि देखिए इसमें सहायक शिक्षकों की पद की जानकारी आपको इस प्रपत्र में देना होगा। ये जो जानकारी है दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देना है आपका उप संचालक को। ये नहीं दोस्तों, यहां तक कि आपका शिक्षक के पदों की भी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मांगी गई है। देखिए, शिक्षक पदों की जानकारी विषय अंतर्गत लेख है कि आपके संभाग अंतर्गत जिलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत और रिक्त पदों की ई और टी दोनों संवर्ग की जानकारी पृथक पृथक 22 अगस्त तक ईमेल के माध्यम से श्री चावरे सर जी जो है उप संचालक है उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप उपलब्ध करें। तो अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आदरणीय जो उप संचालक महोदय है जिला शिक्षा संचालनालय के, उन्होंने पत्र के माध्यम से 22 अगस्त तक रिक्त पदों की जो जानकारी है मांग ली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आने वाले समय में बहुत जल्द जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक के 10,000 पदों पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें तमाम जिले जो छत्तीसगढ़ में है, साथ ही साथ जितने भी आपका संभाग छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, उन सभी संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर है, जेडी सर हैं, उनसे जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीईओ सर हैं, वहां से भी जानकारी मांगी गई है। आप सबको ज्ञात हो दोस्तों कि सहायक शिक्षक के जो नियुक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है और शिक्षक पद के नियुक्ता अधिकारी आपका जेडी होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। तो उनके माध्यम से, अर्थात जो जो नियुक्ता अधिकारी है उनके द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की जो जानकारी है मांगी गई है, जो कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों जानकारियां डीओ और जेडी कार्यालय से प्राप्त होगी, उच्च शिक्षा संचालनालय को, छत्तीसगढ़ शिक्षा संचालनालय को जैसे ही जानकारियां मिलेगी दोस्तों, उसके कुछ दिवस के बाद में वह अलग अलग जिलेवार और संभागवार जो रिक्त पद है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है तो टेट की परीक्षा और शिक्षक भर्ती दोनों की परीक्षा साथ साथ करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई सकारात्मक न्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।